नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी onlyairway.com के आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और दोस्तों हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार आग्रह जरूर करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा। दोस्तों लाइक और शेयर भी करना ना भूलें ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, लाभ ले सकें। तो दोस्तों बिना किसी देरी का ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों घुटनों का दर्द किसी भी कारण से हो, चाहे वो एथराइटिस है या कोई और कारण जैसे गाउट वगैरह, तो ऐसा दर्द काफ़ी परेशान करता है और आजकल ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आज आयुर्वेद की एक प्रिपरेशन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि आप इजीली कर सकेंगे। बहुत इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन है, बहुत ईजी है और नेचुरल है, इसलिए कोई नुकसान भी नहीं है। और दोस्तों ये प्रिपरेशन पाइनएप्पल से है तो फ्रूट बेस्ड है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो दोस्तों ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए देख लेते हैं प्रिपरेशन क्या है। पाइनएप्पल का सेवन करना है आपने और ये सेवन कैसे करना है देख लेते हैं। आप पाइनएप्पल की दो तीन स्लाइस रोज खा सकते हैं, इसे खाने के साथ या खाने के बाद भी ले सकते हैं। और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप 200 ml पाइनएप्पल का जूस बना लें और इसमें 3 ग्राम हल्दी और 5 ग्राम अदरक का रस मिला लें। और इस प्रकार की जॉइंट की समस्या में ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा समाधान हो सकता है और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो पाइनएप्पल में दोस्तों ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आपकी इस इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ही इसकी खासियत है। और क्योंकि ये एक बहुत अच्छा दर्द निवारक है तो आपको इसमें ज़रूर राहत मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट onlyairway.com पर काफ़ी डिटेल में अवेलेबल है, उसमें सारी टेक्निकल टर्म्स आपको बताई गई हैं इसके बारे में। आप चाहें तो ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो onlyairway.com पर जाकर के देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप भी पाइनएप्पल का सेवन ज़रूर करें अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कत है तो, और ये इन्फॉर्मेशन आपके कोई मित्रगण उनसे भी ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों आप ज़रूर करें और आपके जो फीडबैक कमेंट्स आ दी हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।